दिलकश हसीनाओं का मेला जगमग सितारों की दुनिया से कुछ कम नहीं था। स्पाइसी शुगर संस्था द्वारा होटल मुगल में सजी बाहरों की महफिल में आज दुनिया का ऐसा कोई रंग नहीं था जो न हो हॉलीवुड बॉलीवुड की तड़क भड़क के साथ भारतीय संस्कृति की सादगी और संस्कृति भी थी। पंजाब के ढोल नगाड़े खेत खलियान तो गुजरात का गरबा और महाराष्ट्र का नृत्य लावनी भी था। संस्था की अध्यक्ष पूनम सचदेवा, आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, गीत गाते हुए मंच पर थिरकते हुए पहुंची तो महफिल की सभी शोक हसीनाएं भी उनके साथ झूमने लगी। मस्ती और दिल को छू लेने वाली खुशी के साथ संपन्न हुआ रैंप शो का शुभारंभ शिव स्तुति। मस्ती और दिल को छू लेने वाली खुशी के साथ संपन्न हुए रैंप शो का शुभारंभ शिव स्तुति सत्यम शिवम सुंदरम के साथ हुआ था। सबसे पहले जहां रेट्रो थीम रैंप शो के जरिए मैं तेरी चांदनी मैं महलों की शहजादी जैसे गीतों पर रैंप शो कर श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी गई। मुगल थीम, वेडिंग थीम, पंजाबी थीम, बॉलीवुड थीम पर संस्था की सदस्याओं ने रैंप में फैशन के सतरंगी रंग बिखेरे। रैंप शो उत्साह और उमंग से इतना भरा था कि दर्शक धीरता में बैठी सदस्याएं भी हर थीम के रैंप शो पर थिरकती हुई नजर आईं। जहां नजर डालो चकाचौंध करने वाली रोशनी में सितारे बिखरे हुए नजर आ रहे थे। ये शाम हमेशा याद रहेगी क्योंकि आज हमारी क्लब की हर मेंबर ने ये बता दिया कि वो क्यों स्पाइसी शुगर्स की मेंबर है। इतना खूबसूरत खूबसूरती के साथ सबने अपने आप को प्रेजेंट किया हमारे रैंप शो में। हमारे रैंप शो जिसका नाम था रैंप एक अंदाज़न एक, और हम लेकर आए थे बहुत सारी ज़बरदस्त थीम्स, रेट्रो बॉलीवुड, इंडो वेस्टर्न कॉकटेल, फेस्टिव मुगल थीम, साउथ इंडियन वेडिंग एंड शायद मैं कोई भूल ना गई हूँ। एंड सबने बहुत खूबसूरती से अपने आप को प्रेजेंट किया और सभी इतनी प्यारी लग रही थी। और ये जो था हमने इसलिए किया था क्योंकि हर बार हम एक ऐसा इवेंट ज़रूर उनकी भी जो वो कितनी केपेबल है वो सब भी हम सबको दिखा सकें। स्पाइसी शुगर के मंच पर आज हर्षित मेमोरियल चैरिटेबल स्कूल के छोटे छोटे स्पेशल बच्चों ने रैंप वॉक किया। इस अवसर पर संस्था की सदस्याओं ने स्कूल के लिए चैरिटी भी की। सभी बच्चों को उपहार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। संस्था की अध्यक्ष पूनम सचदेवा ने यह कहते हुए बच्चों का हौसला बढ़ाया कि ईश्वर ने इन्हें कुछ कम दिया है परंतु एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।